आगे बहुत अच्छा रख हो जाता है, बाद में ये हाथ बनाया जाता है, हाथ खो जाते हैं। इस कली का देवरा दारा ने सारी तरकीब की, जब चाची चली तीन जिले का बराबर हो गए, सारे के पूरे आधाए बात लिया, आधाए जाहरी का और आधाए कुछ महीनों में मुकम्मल कर दिए। अब पूरा चार महीने के अंदर इंसान ऐसे माँ के पेट में ऐसे बैठता है, आप इस तरफ देखेंगे ये दैनिक निशानी कह दिया। ये मुंह उसका माँ की पुष्ट की तरफ होता है, पीछे खुदा ने पर्दा बनाया, झिल्ली ऐसी कि इंसान को ऐसे संभाले रखी है, ऐसे इंसान बैठे घुटनों पर हाथ रखे ऐसे, अब ऐसे अल्लाह ताला इस तरीके से इसके अंदर जरूर डालते। ये निजाम मेरा रब अपनी माँ के पेट में चल रहा है जिसका हमें इल्म भी नहीं है, यह है तबारक अल्लाह अस्सलुल खालिकीन। अब अल्लाह ने इस तरीके से हमें वहाँ बनाया। अब जब वहाँ चार महीने गुजर गए, अब अल्लाह फरिश्ते को भेज के गए, मेरे फरिश्ते जाओ इसके पास। फरिश्ता पहुंच गया, अब की अल्लाह मैं इसको शहीद लिखूं या शफी, इसकी कितनी उम्र होगी, कितनी मुद्दत इसकी माँ के पेट में होगी, कितनी मुद्दत इस दुनिया पर गुजारेगा और इसका अजर देख लो कि कब ये कितनी उम्र पा करके मरेगा। अल्लाह तबारक व तआला हुक्म फरमाते जाते हैं, वो फरिश्ता बराबर लिख रहा होता है, न माँ को पता है, न बाप को पता है, न उस बच्चे को पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे अल्लाह का ये निजाम, अब जब चार महीने में ये सब कुछ लिख दिया गया, फरमाया रिस्क को उसका उसी वक्त लिख दिया जाता है, रिस्क की जगह ये होती है जहाँ आप सजा करते हैं ना, सजने वाला हिस्सा जो है ये जहाँ सजे में आपकी पिछाने का हिस्सा लगता है, इसी जगह पर खुदा रिस्क लिखते हैं और यही फरमाते हैं तुम्हारा रब आला मेरा रब तू ही पाक है, जो पाने वाला तू ही है, ना खुदा मैं आपको पा दी हमारे कपड़ों में आज जो हमारे गए हार होता, हमारा वजूद करना पड़ता,
फिर फरमाया होंठ कैसे मकाम पर लगा दिए, अगर होंठ ना होते ना खा सकते ना पी सकते ना बोल सकते, इन्हीं के अंदर खाना पीना रख दिया, अगर हूं ना होते ऐसे खुले होते तो लोग खाने पीने के देखने वाले तो उठी आ जाती कि उन्होंने क्या करवा रहा। मेरे अल्लाह ने सतर कर दिया मौका और फिर लक्की से अच्छा से आती से मुझे वाला बनवा दिया। अल्लाह तआला ने फिर आंखों का मकाम यह बनाया, कानों का मकाम यह बनाया, अगर कान पीछे होते तो कितनी मुश्किल होती। फरमाया कि है मेरा रब जिस तरीके से उसने हुस्न दिया है ऐसे जवाब भी दिया। हुस्न कहते हैं खूबसूरती, तो जमाल कहते हैं जस जाने को शादी जाने को, कि ये जगह इस मकाम पर यही चीज सजती और जगती है। इस बात में तो कहा जाता है जमा आज यहाँ अच्छी लगती है, अगर आज यहाँ होती तो सारे घर जाते, अगर आप किसी की जहाँ उठा नहीं जाएंगे जितने मेरे हाथ का इंतजाम है। और कैसे इंतजाम किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर हमारे हाथ पेट के आगे लगा दी तो कितने खतरनाक थे, कितने मुश्किल में होते। फिर अल्लाह ताला ने इनके ऊपर ये बराबर नाखून पैदा कर दिए, अगर नाखून पैदा न होते तो हम ऐसे पकड़ न सकते। इनकी कुवत से खुदा ने हमें ये कुवत भी किया, सबसे सख्त काम नाखून के जरिए करते हैं। पाँव के अगर नाखून होते चलना बड़ा मुश्किल हो जाता, अल्लाह ताला ने वो नाखून रख दिया ताकि चलने के लिए आसानी पैदा हो, दूरी पर पूरा हो जा सके। तो मेरे अल्लाह ने कैसा जानी हर चीज को सजा भी दिया और बना भी दिया। तो ये ऐसा पत्ता उसने कैसे हर चीज का अंदाजा लगाया कि ये चीज यहाँ रहकर नहीं रखी। मैं सभी रजस्टर हूँ, फिर उसने रस्ते को आसान कर दिया। अल्लाह से कुर्बान जाइए उसकी जात पर, इस पर इंशाअल्लाह इंदाज होगी। अल्लाह आप फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाजिर जानना, कुरान और हदीस से वादे करें, अल्लाह आपके दरजात बुलंद करे, आमीन। अल्लाह खुश रखे। वजह तो अर्ज ये है, सवाल अगर इस वक्त मैं जवाब इसका शुरू करूँ ना तो वक्त खोलनी है, फरमाओ तो मैं शुरू हो जाऊँगा, फिर आप बंद हो जाएंगे। मुझे कोई ना तो इंशाअल्लाह ले लीजिए। तो सवाल जी, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा मुख्त साथ का जवाब सुनो। अल्लाह आपको मुझे दीन की समझ अता फरमाए। एक होता है हाजिर और एक होता है नाजिर, ये अरबी के दोनों लफ्ज हैं, हाजिर भी अरबी का और नाजिर भी अरबी का लफ्ज है। ये इस्म फाइल का सीगा है, फाइल करने वाला, ज़ारिब मारने वाला, नाजिर मदद करने वाला, फातिह फतह करने वाला, कातिल कतल करने वाला। ये सारे क्या है इसमें फाइल, हाजिर और हाजिर होने वाला, हाजिर हाजिर होने वाला। और हम हुजूर को हाजिर कहते हैं, जो हुजूर कहते हैं आप सारे हम आप सारे धर्म को हुजूर कहते हैं। हुजूर वो होता है जिसकी खिदमत में हाजिरी दी जाए, और हाजिर वो होता है जो नतीजे में कम जाकर हाजिर होता है। हुजूर की खिदमत में हमने हाजिर होना है, हाजिर हम हैं, हमारे नबी हुजूर हैं, हम तो आपकी खिदमत में हाजिर होना है। तो भाई आप इस पर थोड़ी सी क्या बनना है, बदौल फरमाने खासा भी कर आमा के नहीं मुनासिब करनी, मिट्टी की पका हरी दो से कुत्ते आके धरनी। बात जी आई बात खासों की थी, आप जामों के पास बात थी ये खासों की। और या अल्लाह ऐसे हुए हैं जिनकी कुब्बत रूहानी क्या हकीकिया में इतना गलबा था कि आज चकने में मेरे नबी की खिदमत में हाजिर होने की ताकत रखते थे, और उनके लिए कुवत रूहानी का इतना मसला था कि लिखा है कि एक साहिब तकबीर बदौल मशरिक में हो एक मगरिब में हो, दोनों आपस में ऐसे बातें कर रहे होंगे जिसको हम आपस में निर्णय कर रहे हैं। तो ये बात ना उन लोगों के लिए है जिनको खुदा ने 2,48,900 मतबा फिरा के जब तय कर लिया जाता है, फिर इतनी हिम्मत होती है कि इंसान अपने नबी के दार बात कर सकता है। वो तो कहे कि मैं हुजूर के दार में आदमी, तो आप कैसे कह सकते हैं। सही बात है, बात ही खास लोगों की आ गई आम लोगों के पास, और अब अपनी तरफ से गलत तस्वीर आप कर कैसे और ऐसी आदत बना ली। अब आप देखें जब हुजूर अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा में थे उस वक्त मदीने में थे नहीं थे, जब आप बदर में थे उस वक्त मदीने में थे, जब आप ओह में थे उस वक्त मदीना में थे नहीं, जब आप मदीना में थे तो और कहीं भी नहीं थे। अब हुजूर वहां तशरीफ फरमा है, हमारा सब सलाम हुजूर की खिदमत में हाजिर होकर देते हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जहां आप
शरीर संभालते तो आप ये ना फरमाते मन संदा नहीं है इंडिया कबरी समेत जो मेरी कबर पर आकर उस पर है जाओ उसको मैं खुद सुनता हूँ गमन संध्या नहीं है ना है जन अगर कोई दूर जाए अगर पता है मेरे से दूर है तो मेरे उसको हो फरिश्ते पहुँचाते हुजूर से ये बनाते मैं वहाँ भी सुनता हूँ वहाँ भी सुनता हूँ तो मेरे नबी की और ये अब जिन्होंने ये कह दिया कि हुजूर वहाँ भी सुनते हैं ये भी दिल से भी कह देगा हाँ से सुनते हैं एक ने कहा कि नहीं ना वहाँ सुनते हैं ना वहाँ सुनते तो सही अकीदा क्या हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम अपने रौज़ा मुकद्दसा पर हमारे सलात और सलाम को हमारा वक्त सुनते हैं जब हम हार भी दें रात में दें या दिन में दें रमजान में दें या रमजान में दें जुमे में दें या हफ्ते में दें जब हमारी हाजिरी होगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होंगे और जाकर सलाम अर्ज करेंगे उस वक्त हमारे नबी हमारे सलाम को सुनकर आप जवाब बराबर फरमाते हैं। ये तो हमारा हुआ अकीदा। ये अब बाद लोगों ने कह दिया कि हुजूर यहाँ भी वहाँ भी हर मकाम पर सुनते हैं जब ये कह दिया इसकी तदबीर करते 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 दूसरा गिरोह होगा। उन्होंने कहा ना हुजूर वहाँ सुनते हैं ना यहाँ सुनते हैं। तो मेरे ख्याल में दोनों ने भी सिराज मुस्तकीम के तरीके को छोड़ दिया। बात कितनी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जहाँ अर्ज किया जाए फरिश्ते पहुँचाते हैं और फरिश्ते का नाम है सरदूस और एक रिवायत में फरिश्ते का नाम है मोंतेरूस। जो फरिश्ता हुजूर अलैहिस्सलाम में हाजिर है उसका नाम क्या है मुंतेरूस। और फरमाया कि फरिश्तों की जमात फरमाया मेरे नबी ने सारी जमीन पर तकी है इधर फरिश्ते ने चुना उतरूस उसके पास पहुंचाया फरिश्ते ने अर्जी जा रसूल अल्लाह फराश अपना पसरूस भेजा। और मुंतेरूस वाली रिवायत हमारे बुजुर्गों में से बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द अल्लामा सखावी। उन्होंने कौन बनी के अंदर लिखा है कि मुंतेरूस फरिश्ता रहा हुजूर के सामने हाजिर होता है जो पीछे से फरिश्ते को उतारने वाले सारे सवाब हुजूर की खिदमत में पेश करता रहता है। जो अल्लाह तबारक व तआला ने ये कुव्वत अता फरमाई। अब मेरे अर्ज करने का मकसद ये है कि जब आप विलायत के 2,48,999 विलायत के हासिल कर लेंगे उस वक्त इतनी कुव्वत होगी कि यहाँ अर्ज करेंगे तो आपका कुल हुजूर से हो जाएगा। फिर आप हाजिर होंगे हुजूर देख रहे होंगे आप उधर देखेंगे हुजूर आपको देखेंगे नहीं कि आप बताओ का ना आपने हुजूर की खिदमत में हाजिर होना। एक वजह दूसरी बात यह है कि अल्लामा जलालुद्दीन सय्यूती रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक अल्लामा अमर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फैज़ुल बारी शरह सही बुखारी की पहली जिल्द के अंदर ये लिख रहे हैं कि अगर फरमाते हैं कि 22 मरतबा इमाम जलालुद्दीन सय्यूती ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्हीं आंखों के साथ बेदारी में देखा है क्योंकि अल्लामा सय्यूती ने ये तमाम मरातब तय कर दिए थे। जब विरासत विरासत के मरातब तय हो जाए वो शख्स बात करे तो काबिले तस्लीम है लेकिन जब आप और मैं दावा करेंगे तो हम झूठे करार दिए जाएंगे। इस बात से जब हम उस विरासत के जज्बे पर है नहीं अपना दावा तो भरे आला वो तो कह सकते हो आप और मैं कहने के मजा हो नहीं है ये मुक्त सब जवाब है बाकी कुरान और इंजील में तफसील से कहता है कि बारे अस्तग़फिरुल्लाह अल-अज़ीम अल्लज़ी अस्तग़फिरुल्लाह अल-अज़ीम अल्लज़ी अस्तग़फिरुल्लाह अल-अज़ीम अल्लज़ी अस्तग़फिरुल्लाह अल-अज़ीम अल्लज़ी अस्तग़फिरुल्लाह।